गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। इसका पहला हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एक असेंबली थी, ठीक है, जिसमें तीनों स्टेट के जो सदस्य थे शामिल होते थे। जब भी राजा को किसी प्रकार का कर अर्थात टैक्स लगाना होता था तो वो तीनों असेंबली को बुलाती थी और तीनों असेंबली की सहमति के बाद ही टैक्स लगाए जाते थे, नए कर लगाए जाते थे। जब फ्रांस में बहुत ज़्यादा राजा पर कर्ज हो गया और तो उस कर्ज से निपटने के लिए उसने नए कर को लगाने की बात सोची और इस वजह से उसने प्रथम और तृतीय स्टेट को तो बुलाया लेकिन तृतीय स्टेट को उसने नहीं बुलाया, जिसकी वजह से जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और वो भी उस बैठक में गए और उन्होंने यह बात रखी। और हाँ, एक बात और है कि तृतीय स्टेट में अगर देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीय लोग जो थे अर्थात फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको, ठीक है, ज़्यादा अधिकार थे फैसले लेने का। वो प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता था, अपनी स्वीकृति जाहिर कर सकता था, लेकिन तृतीय स्टेट में कोई एक ही व्यक्ति उनका वोट दे सकता था और उस वोट का मतलब होता था सभी लोगों की अनुमति या सहमति, ठीक है। तब वहाँ के तृतीय स्टेट के जो लोग थे उन्होंने इस पर शोर मचाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम तब तक इस नए कानून को नहीं मानेंगे जब तक कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। और इस तरीके से उन्होंने उस सभा को छोड़कर पास के टेनिस कोर्ट में चले गए, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारे देश के लिए नया संविधान नहीं बन जाता और उसमें हम लोगों के लिए कुछ नियम कानून ऐसे नहीं बन जाते जो हमारे फ़ायदे के लिए हो, अर्थात गरीबों को अच्छा, गरीबों का भी भला हो सके। तो वहाँ पर जब उन्होंने संवैधानिक अर्थात अपने देश के लिए, फ्रांस के लिए एक नए संविधान की मांग की तो इस घटना को इतिहास में टेनिस कोर्ट के शपथ के नाम से जाना जाता है। जब राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। विद्रोह के बाद उन्होंने जगह जगह पर हमले करना शुरू किया, वो दुकानों पर हमला करना शुरू किए, ठीक है। और इसी के दौरान वो जब विद्रोह कर रहे थे तो एक भीड़ जो थी वो मार्केट से होकर निकल रही थी। मार्केट से जब वो निकली तो दुकानों पर जो रोटी के पावरोटी के टुकड़े थे उन्हें देखकर वो भूखी जो जनता थी वो बेकाबू हो गई और उसने हमला कर दिया। आगे चलकर वही भीड़ 14 जुलाई को बास्टिल पर हमला करके उसको तोड़फोड़ की, जिसको हमने शुरू में ही पढ़ा था, पहले वीडियो में बास्टिल का पतन पढ़ा था। तो बास्टिल पर हमला किया और उसमें वहाँ पर जितने भी कैदी थे उन सबको आज़ाद करा दिया गया और जितने भी सैनिक थे उन सबको मार दिया गया, वहाँ पर हथियारों को लूट लिया गया, उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। चूँकि उस समय बास्टिल जो था वो फ्रांस के शासक का निरंकुशता का केंद्र माना जाता था, ठीक है, इसलिए उसको तोड़ फोड़ दिया गया। और इस तरीके से जो राजतंत्र था, बोर्बो वंश का जो शासक था वो डर गया, भग गया और वहाँ पर एक नए संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। संवैधानिक राजतंत्र यानी कि शासक राजा ही था लेकिन वह शासन संविधान के आधार पर करने लगा। तो जो नेशनल असेंबली थी, एक संस्था बनाई गई नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान का अनुसरण करके ही शासन किया जाने लगा। तो यहाँ पर जो कि संविधान में शामिल होने वाले लोग थे वे ज़्यादातर अमीर घर के लोग थे, ठीक है, शिक्षित लोग थे और उन्होंने गरीबों को अधिकार नहीं दिया। उन्होंने पुरुष नागरिक अधिकार के नाम से एक अधिकार पत्र बनाया जिसमें पुरुषों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए थे, लेकिन वहाँ पर ये भी बता दें कि महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और साथ ही साथ ये भी है कि जो गरीब घर के जो लोग, गरीब जो मजदूर लोग थे और जो औरतें थीं उनको निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। भाग लेने का अधिकार अर्थात तो वोट देने का अधिकार केवल अमीर लोगों को ही था। वहाँ पर एक नियम बना हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकार लेना चाहता है तो उसे कम से कम इतना टैक्स देना पड़ेगा जितना कि एक मजदूर एक हफ्ते में कमाता है। तो इस तरीके से अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, गरीबों को अधिकार नहीं दिया गया। गरीबों को और महिलाओं को, बच्चों को निष्क्रिय जनता के नागरिक के नाम पर जाना गया, उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया।
क्योंकि महिलाएं जो थीं वो फ्रांस के संविधान में शुरू से ही सक्रिय भूमिका निभा रही थी। वो हर समय पुरुषों के साथ रहकर इस क्रांति को सफल बनाई, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया। आगे चलकर इन महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की, उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग की, और जब उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग की तो बहुत से महिलाओं को जेल में डाला गया, बहुत से महिलाओं को फांसी पर लटकाया गया। जब यह विरोध बढ़ा तो अंततः संवैधानिक जो राजतंत्र था उसको यह नियम बनाना पड़ा कि महिलाओं को कुछ अधिकार मिले, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, अपनी स्वेच्छा से शादी करने का अधिकार मिला, संपत्ति रखने का अधिकार मिला, लेकिन वोट देने का अधिकार तब भी उनको नहीं मिला। और उनको काफ़ी लंबा प्रयास करना पड़ा था वोट देने के लिए, अर्थात वोट राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। आगे चलकर यह जो संवैधानिक राजतंत्र था, नेशनल असेंबली थी, उसने सभी लोगों को वोट देने का अधिकार तो दे दिया, अर्थात अमीर गरीब सबको वोट देने का अधिकार दे दिया। लेकिन एक बात और है कि ये क्रांति काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाई, और अंततः जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने एक बार और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब जो अगला है सवाल, जो इतने पॉइंट्स आते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।